वेलकम बैक टू क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, कैन रितीश रिटायर फ्रॉम द एक्स इन जनवरी 2006 विद फुल पेंशन बेनिफिट? रितीश कंप्लीट 30 इयर्स ऑफ सर्विस इन एक्स इन अप्रैल 2000 एंड डिजायर टू रिटायर। ठीक है, 30 साल उसके पूरे हो चुके हैं और डिजायर रखता है रिटायर होने की। एज पर ऑफिस एक्स रूल एन एम्प्लॉय हैज़ टू कंप्लीट मिनिमम 30 इयर्स ऑफ सर्विस एंड अटेन एज ऑफ 60। रितीश हैज 3 ईयर्स टू कम्प्लीट द एज ऑफ 60। ठीक है जी, तो ठीक है, तो ऑफिस एक्स का एक रूल है कि एम्प्लॉय हैज़ टू कम्प्लीट मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड अटेन एज ऑफ 60, और उसकी एज जो है 60 हो जानी चाहिए। तो ठीक है, रितीश हैज 3 ईयर्स टू कम्प्लीट द एज ऑफ 60। अभी 3 जो हैं साल हैं उसकी 60 होने में। तो बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसने यहाँ पे एंड यूज़ किया है। अगर और बोला होता तो अपना काम चल जाता। उसने कहा है कि एंड 30, मिनिमम 30 साल होने चाहिए और 60 की एज भी होनी चाहिए। अभी उसकी 60 की एज होने में क्या है, 3 इयर्स का गैप है, तो वो रिटायर नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि अब देखते हैं कि वो रिटायर नहीं हो सकता। अब हमें वो यहाँ से क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं, कैन रितीश रिटायर फ्रॉम द ऑफिस एक्स इन जनवरी 2006 विद द फुल पेंशन बेनिफिट। ठीक है, अब ठीक है बच्चों, रिटायर तो नहीं हो सकता। आंसर क्या निकला है, दोनों को मिला के निकला है। हमें तो उससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो रिटायर होगा कि नहीं होगा। हमने तो ये चेक करना था कि ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, क्या मुझे पता लग पाएगा कि वो रिटायर होगा कि नहीं होगा। तो दोनों को यूज़ करके पता लग पाया तो कि वो रिटायर होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बोथ आपका आंसर जाएगा।